जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में रोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोग प्रश्न कुंडली के शीघ्र स्वस्थ लाभ के बारे में। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली के कुछ देरी से स्वास्थ्य लाभ होने की, कि कुछ योग ऐसे होते हैं जिससे कि देरी से स्वास्थ्य का लाभ होता है, शरीर देरी से ठीक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसे समझते हैं। रोग प्रश्न की जो कुंडली होगी उसमें हम देखेंगे यदि आठवें, नौवें, बारहवें भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाएं। अशुभ ग्रह कौन से हुए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। यदि ये अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो रोग देरी से ठीक होता है, उसमें रोग को ठीक होने में समय लगता है। या मंगल लग्न में बैठ जाए या बारहवें भाव में बैठ जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मंगल लग्न में बैठ जाए या बारहवें भाव में बैठ जाए, यहां तक कि मंगल लग्नेश होकर भी बारहवें भाव में बैठेगा तब भी रोग में देरी लगेगी ठीक होने में। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश बारहवें भाव में बैठ जाए। जो लग्न कुंडली का लग्नेश है हमारे प्रश्न कुंडली में, रोग प्रश्न कुंडली में जो लग्न कुंडली का लग्नेश है वो बारहवें भाव में बैठ जाए तब भी रोग ठीक होने में समय लगेगा, रोगी को ज्यादा समय ठीक होने में लगेगा। या आठवें भाव का स्वामी अष्टमेश केंद्र में आकर बैठ जाए, आठवें भाव का स्वामी केंद्र में आकर बैठ जाए उस स्थिति में भी रोगी को ठीक होने में समय लगेगा। लग्नेश तीसरे भाव में या आठवें भाव में बैठ जाए तब भी रोगी को ठीक होने में समय लगेगा। या हम ये देखेंगे कि चंद्र का किसी वक्री ग्रह से संबंध तो नहीं है। वक्री ग्रह से संबंध कैसे होगा? दृष्टि संबंध हो सकता है, युति संबंध हो सकता है, कुंडली में जो प्रश्न कुंडली में वक्री ग्रह हो उसके साथ दृष्टि संबंध हो सकता है या युति संबंध हो सकता है या इच्छा योग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी रोगी देर से ठीक होगा, उसको ठीक होने में समय लगेगा। इसके अलावा लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, यहां मैं लग्नेश और छठे भाव की जो बात कर रहा हूं स्वामी की, रोग प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं। कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो रोग प्रश्न कुंडली की ही उसको बात को समझा जाएगा कि लग्न भी रोग प्रश्न कुंडली से देखा जाएगा, षष्ठेश भी रोग प्रश्न कुंडली से देखा जाएगा। इसके अलावा लग्नेश और दशमेश हमारी जो रोग कुंडली है उसके लग्नेश और दशमेश का इशराफ योग हो जाए। ये मैंने अभी आपको पहले इच्छाल योग जो बताया वो और ये इशराफ योग, ये ताजिक के योग हैं। इन्हें हमें समझना जरूरी होता है प्रश्न कुंडली के लिए। यदि लग्नेश और दशमेश का इशराफ योग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में भी जातक को ठीक होने में समय लगता है। इसके अलावा दशमेश और सप्तमेश का भोगांशों का निकट संबंध हो, जैसे दसवें भाव के स्वामी के भोगांश और सातवें भाव के स्वामी के भोगांश जितने निकट होंगे उतना रोग लंबा चलेगा, जितने दूर होंगे उतना रोग जल्दी ठीक होगा। तो दशमेश और सप्तमेश के भोगांशों का कम अंतर होने पर भी रोग लंबा हो जाता है प्रश्न कुंडली में, हमें यह भी देख लेना चाहिए। लग्न में यदि चंद्र या शुक्र बैठ जाए, प्रश्न कुंडली के लग्न में चंद्र या शुक्र बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में वो पाप प्रभाव में हो तो रोग ठीक होने में समय लगता है, इसमें भी समय लगता है। तो आज हमने बात की रोग प्रश्न कुंडली में देरी से ठीक होने के योगों के बारे में। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रोग दोबारा कब होगा। कई बार रोगी ठीक हो जाता है फिर कुछ समय के बाद रोग दोबारा हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।